देश भर के सारे ज्योतिषी आज जोधपुर में इकट्ठा हुए हैं। ये महाकुंभ है जहाँ पर ज्योतिष का नाम आती है, पहले एक बार हर किसी के मन में ये होता है कि क्या कुछ उसका भविष्य है, उसको जानने की हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन ये सारे ज्योतिष आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इन लोगों के सामने एक सबसे बड़ी बात है, देश के भविष्य को लेकर ये बात कर रहे हैं और देश के भविष्य के लिए कुंडली को देखा है और क्या कुछ करना चाहिए उसकी, उसको लेकर इन लोगों ने मंथन भी किया। अब यहाँ पे बात करेंगे, कई बड़े बड़े ज्योतिष आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम आए हैं सर वशिष्ठ जी के पास, बताइए क्या कुछ देखा आपने? आपको शायद याद होगा, बहुत बार बात हुई है नस्तोदमस की भविष्यवाणियों के बारे में, तो उसी भविष्यवाणियों में से मैं अब आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने 6 मार्च को मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध 27 दिन से ज़्यादा चल गया तो ये विश्व युद्ध होगा। उस वक्त कमेंट ये आए थे कि रूस 4 दिन के अंदर यूक्रेन को जीत लेगा, ये कैसी भविष्यवाणी कर दी गुरुदेव ने, अब देखिए कहाँ तक चल रहा है। और उसी में मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि 27 दिन से ऊपर अगर ये युद्ध चल गया तो अमेरिका, चाइना और रूस, ये तीनों कंट्रियाँ खत्म हो जाएंगी, ये मैंने ये शब्द बोले थे। और 50-50 कोस तक इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि नस्तोदमस की ही भविष्यवाणी है कि भारत देश विश्व गुरु बन के खड़ा होगा। जब ये बड़े 3 देश खत्म होंगे तब सारी दुनिया की आशा भारत के ऊपर आएगी। आज की डेट में हम चाइना की पॉपुलेशन से आगे निकलने लगे हैं, 142 करोड़ होने लगे हैं हम, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना तेज सनातनी दिमाग और परमात्मा की ऐसी कृपा जहाँ श्रद्धा विश्वास संस्कार सब इकट्ठे रहते हैं, ऐसे लोग पूरी दुनिया को कहीं पर भी किसी धरा पे नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ भारत देश में मिलते हैं। और यही कारण है कि भारत देश का दिमाग आज की डेट में कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए, भारत का वासी ही चला रहा है उसे। जो साइंस हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, हमें वो बैकवर्ड बोल सकते हैं लेकिन दिमागी तौर पर हम उनसे इतने आगे हैं, हम उनसे इतने ज़्यादा आगे हैं कि वो हमें समझ नहीं पाते, इसलिए वो हमें बैकवर्ड बोलते हैं और हम उन्हें बच्चा समझ के माफ करते हैं। तो भारत का भविष्य एक ही है और वो ये है कि ये विश्व गुरु बहुत जल्दी बनने जा रहा है। हाँ, 5-7 साल ये युद्ध चलेंगे लेकिन इस 5-7 साल के अंदर भारत कहाँ होगा पूरी दुनिया देखेगी। आप सबके सामने आज मैंने बताया है, 5-7 साल में आप सब लोग देखेंगे। और भी कई ज्योतिष यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से मंथन किया, क्या कुछ है भारत का भविष्य? भारत का भविष्य जो है काफ़ी अच्छा है। अभी गुरु जी ने बोला था, मुझे लगता है 10-12 साल में जो है भारत जरूर वापस सोने की चिड़िया के रूप में सामने आएगी और काफ़ी चीज़ इसमें जो है चेंज होंगे और काफ़ी चीज़ जो है इसमें अंदर सुधार भी आएगी और दुनिया पूरा एकदम कंप्यूटराइज जिसको बोलते हैं वैसा कुछ बनेगा। अब मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि कौन से ग्रह के कारण ये कुछ हो रहा है, अभी जो अराजकता का माहौल है, क्या कुछ बदला? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब कोई राष्ट्र आज़ाद होता है, जब से उसकी कुंडली बनाई जाती है और वो ज्योतिष का एक अंग है मेदिनी ज्योतिष। भारत को 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी रात को 12 बजे, उससे भारत की कुंडली का वृष लग्न, जैसे किसी व्यक्ति की हर साल बर्थडे आती है उसका साल चेंज होता है, वर्ष बदलता है, भारत का वर्ष अभी 15 अगस्त 2022 को बदलने वाला है। 15 अगस्त 2022 को जो कुंडली के ग्रह आने वाले हैं उस कुंडली के अंदर सबसे पहले होती है प्रजा। प्रजा चौथे भाव से देखी जाती है। कृष्ण मूर्ति में अगर चौथे भाव सब लॉर्ड मतलब उपस्वामी अगर 12वें गांव से 8वें गांव से युति करता है तो प्रजा में असंतोष होता है और प्रजा में अशांति के कारण गृह युद्ध के आसार होते हैं। अब ऐसे में अगर देश रहेगा, अखंड रहेगा, देश की सहिष्णुता रहेगी, एकता रहेगी, तो इस समय बहुत बड़ी आवश्यक तत्व है सहिष्णुता, अहिंसा परमो धर्म। ज्योतिषी का खाली सामाजिक दायित्व तो अपने ऑफिस में बैठ के चंद लोगों की जन्मपति देख के उनकी भविष्यवाणी करके आर्थिक उपार्जन नहीं है, देश के बारे में चिंतन करने का भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी ज्योतिषी है जिनको ज्योति प्राप्त है ईश्वर की तरफ से, भाई जो ज्योति प्राप्त है उस ज्योति की कुछ लाइट देश की शांति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, लोगों के देश की अखंडता के लिए करें। मैं ये कहता हूँ व्यक्तिगत कार्य को छोड़ के, अभी सावन का महीना है, शिव जी का महीना है, शिवजी सबसे ज़्यादा परम शांति और परम सबसे प्रसन्न होने वाले हैं। सभी ज्योतिष का कर्तव्य है कि जब भी अपने यजमान के कर्मकांड के कार्य हैं उनसे फ्री हो तो अपनी डेली 10 से 5 ये समझे कि मुझे कोई कार्य मिल गया, पूजा करें, देश के लिए महामृत्युंजय का जाप करें, देश के लिए अखंड उसका बात करें। आर्थिक स्थिति अभी बहुत भयानक दौर से गुजर रही है, जो पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं अपने उनको एक भयानक मतलब जो है मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, हालात हैं,
देश के अंदर अभी चिंतन का विषय कि आर्थिक स्थिति उन जैसी नहीं हो जाए। कुछ लोग मति भ्रम कर रहे हैं, नहीं होगी, क्योंकि भारत के अंदर जो जीडीपी है उसका केवल 6.19% अपने ऋण है, जबकि श्रीलंका में 119% ऋण है। 119% को 219 होने में 10 महीने से ज़्यादा नहीं लगते, और देश के 10 राज्य हैं वो आर्थिक कंगाली के स्तर पे हैं। आज अगर केंद्र उनको आर्थिक सहायता बंद कर दें तो उनके 45 दिन में श्रीलंका जैसे हालात होने में देर नहीं लगेगी। देश की आर्थिक उन्नति के लिए जैसे किसी यजमान के लिए दक्षिणा लेके यज्ञ करते हैं, सभी ज्योतियों को मैं आह्वान करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, देश के लिए माँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ जो है लक्ष्मी को प्रसन्न करें, शिव पार्वती को प्रसन्न करें। अगर शिव पार्वती और लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे देश में सौहार्द होगा। अहिंसा परम धर्म जो गांधी जी का सिद्धांत है उसमें चलें, सहिष्णुता के तत्व को बढ़ावा दें। और ज्योतियों में जब एक बार अमेरिका ने स्काई लैब छोड़ी थी और लगा था कि वो स्काई लैब गिरने वाली है और एशिया में गिरेगी तो बहुत से लोगों की जनहानि होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबने अनुरोध किया था, भारत के मनीषी योगी तपस्वी संत जो गुफा और कंदरा में, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ अपने योग के माध्यम से, योग की शक्ति से उस स्काई लैब को रोकें और समुद्र में गिराएं। जो देश सबका वो है, हनुमान जी को जैसे अपनी ताकत याद दिलाने की जरूरत है, सभी ज्योतियों को, कर्मकांडी विद्वानों को, सभी को अपनी ताकत की यूज है, पूरी ताकत से सावन भादवे में लगा के देश के अंदर सबसे पहले जो अशांति है उसको दूर करें। आर्थिक स्थिति की विपन्नता आने वाली है, उस आर्थिक स्थिति के लिए देश के लिए माँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ करें, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। खुद की आजीविका तो एक कुत्ता भी बैठ के कहीं रोटी खा लेता है, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। सर अभी और भी कई ज्योतिष यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं सर बताइए, क्या आपको मतलब? सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान है उसमें अनुमान का कोई स्थान नहीं है, संभावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ज्योतिष सटीकता की निशानी है, 100% सत्य है, दुनिया का एक ऐसा विज्ञान जो आने वाले भविष्य के अंधकार को उजाले के अंदर बदलता है। हम आपको बताना चाहेंगे भारत के अंदर अगले सालों के अंदर क्या होगा उसके बारे में, कैसे बता पाते हैं वो हमारे भारतीय पंचांग 100 सालों के बने हुए हैं और आगे भी पीछे भी बने हुए हैं। तो उसके अंदर शुक्र कुछ निकल के आया, क्या कुछ निकल के आया आपका जो मंथन वगैरह में? मंथन से निकल के आया कि आगे आने वाली दुनिया जो है वो क्वांटम सिस्टम के अंदर आ रही है। आपके पेट्रोल डीजल्स के जो वाहन चलते हैं वो बंद हो गए, हाइड्रोजेनिक सिस्टम पैदा होगा और कंप्यूटर्स के अंदर हाई लेवल की, और आपकी जो करेंसी है वो डिजिटल के अंदर पैदा होगी। भारत के अंदर शुक्र ग्रह जो है रेखांश अक्षांशों के ऊपर, तो 19 दिसंबर 2024 को सबसे ज्यादा नजदीक होगा, जिसके कारण संवैधानिक बदलाव होंगे, जीवन की उन्नतिशीलता मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य जो सिस्टम है उनके अंदर बदलाव होगा, अमूलचूल दुनिया के अंदर परिवर्तन होगा। भारत की करेंसी जो है उसके अंदर अवमूल्यन होगा और आगे जाकर के भारत का पैसा जो है, भारत का रुपया जो है, जिसके ऊपर दुनिया के अंदर व्यापार होगा। अब बात करेंगे सबसे बड़ी ज्योतिष के अनुसार, जो हर कोई जो शादी की इच्छा रखता है और उसकी शादी नहीं होती है, एक छोटे से बच्चा है जो कि ये भी ज्योतिष के प्रखंड है और ये जिसकी शादी नहीं होती है उसकी शादी हो जाती है, बताओ किस तरह से होती है, क्या है? नमस्ते, मेरा नाम जयदीप पुरोहित है, आज मैं शादी के विषय में बात करूंगा। अगर किसी की शादी नहीं हो तो उसको अनामिक अंगुली में पुखराज की सोने से भरकर वो अंगुली पहनाएं और घोड़े को दाल खिलाए चने की। धन्यवाद। जिस तरह से इसने बताया कि काफी कुछ शादियां भी करवा चुका है और अब और भी पंडित जी है जी, बताइए कि आप काफी सारी भविष्यवाणी कर चुके हैं, अब क्या भविष्यवाणी है देश के लिए? 15 अगस्त 1947 देश की आजाद कुंडली के आधार पर भारत में 15 नवम्बर तक समय थोड़ा ठीक नहीं है और प्राकृतिक आपदाएं, परेशानियां, उपद्रव आगे आदि फैलेंगे, पर यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2034 तक भारत वापस पुनः विश्व गुरु बनेगा और देश के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि आधुनिक युग के अनुसार होने वाली है। दूसरे देशों को पीछे छोड़कर भारत बहुत कुछ आगे बढ़ेगा और अभी आने वाले समय में 3 महीने के अंदर सोना और चांदी, मैं दावे के साथ भविष्यवाणी करता हूँ, सस्ता होगा, कम से कम 7,000 रुपये टूटेंगे सोना और चांदी में, दोनों कीमती धातुओं में। क्रूड ऑयल सस्ता होगा जिससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की भविष्यवाणी का भी दावा करता हूँ। कई सारी भविष्यवाणी भी की जा रही है और यहाँ पे जी आपको क्या नाम है बताइए? मैं अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता हूँ और 237 भविष्यवाणी मेरी सटीक हुई है 6 घंटे में। इस बार सूर्य कर्क राशि में आया है कल, और सूर्य जब कर्क राशि में आया है उस समय मेष राशि में राहु मंगल की अंगारक युति बन रही है और
केतु तुला राशि में चल रहा है उस पर मंगल और शनि की दृष्टि है मैदिनी ज्योतिष के अनुसार। भारत में आर्थिक सामाजिक ढांचा परिवर्तन होगा और मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता बिल, विवाह बिल और कानून संबंधी एक बिल आएगा। इसके साथ में आने वाले 7 सालों के लिए मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य इस बात की परमिशन दे। पाकिस्तान में आने वाले 30 दिनों में कोई बड़ी राजनीतिक घटना होगी, ये आप नोट कर सकते हैं। और मेरे साथ गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी हैं, तो आप उनसे और भविष्यवाणी कई सारी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब ज्योतिष यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद ये सोच रहे हैं देश के भविष्य के लिए क्या कुछ किया जाए, तो क्या कुछ अब कोई प्रकृति के लिए क्या कुछ करोगे आप लोग? जी, मेरा नाम सुधांशु अवस्थी है, मैं कानपुर से हूँ और यहाँ पे मेरे गुरुजन सभी मौजूद हैं। उनके आशीर्वाद से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें ज्योतिष के अनुसार प्राकृतिक पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी 12 राशियां हैं, तो मेष राशि वाले लाल फल का पौधा लगाएं, वृष राशि वाले सफेद पुष्प का पौधा लगाएं, तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग पौधे पर और प्राकृतिक पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आने वाले समय में जो ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही हैं, इतनी गर्म पड़ रही है, तो ये सब नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के हम सब ज्योतिषी मिलकर अगर एक एक यजमान से हम 5-5 पौधे भी लगवाते हैं तो हमारी प्राकृतिक में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हमारी चीजों में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इससे देश को काफी अच्छा सुधार मिलेगा और शांति रहेगी और ये जो गर्म इतनी सारी पड़ रही है ये नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पे जो सभी ज्योति से मिले और एकजुट होकर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव करना है, देश की भविष्य के लिए देखा है और देश का भविष्य किस तरह से उज्ज्वल बनाया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आप देख सकते सभी वरिष्ठ ज्योतिष खड़े हैं यहाँ पे जिन्होंने अलग अलग भविष्यवाणी की है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, देश को क्या कुछ मिलता है और ये ज्योतिष क्या कुछ दे पाते हैं। जोधपुर से करणपुरी, ABP News।